टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे मुकाबला विशाखापट्टनम में होना है। रोहित शर्मा इस मुकाबले में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। रोहित की वापसी के चलते भारत की प्लेइंग 11 में बदलाव होना तय है। ये देखना दिलचस्प होगा कि प्लेइंग 11 से किस खिलाड़ी की छुट्टी होती है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सूर्य कुमार यादव या ईशान किशन में से किसी एक को दूसरे वनडे के लिए प्लेइंग 11 से बाहर बैठना पड़ेगा। वैसे ज्यादा संभावना सूर्या के बाहर बैठने की दिख रही है, क्योंकि वनडे क्रिकेट में वह लगातार फ्लॉप हो रहे हैं। वैसे भी ईशान किशन मिडिल ऑर्डर में भी बैटिंग करने में माहिर है और उन्होंने कुछ महीने पहले वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक भी जड़ा था। देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सूर्य कुमार यादव पहले वनडे में खाता भी नहीं खोल पाए थे और वह पहली गेंद पर मिचेल स्टॉक के हाथों LBW आउट हो गए। वैसे सलामी बल्लेबाज ईशान किशन का प्रदर्शन भी निराशाजनक रहा था। ईशान को 3 रनों के निजी स्कोर पर मार्कस स्टोइनिस ने LBW आउट कर दिया था। वैसे आपको क्या लगता है, सूर्या और ईशान किशन में कौन बाहर होगा?